भारत एक ऐसा देश है जो हर बार आपदाओं में अवसर तलाशता है। इनफैक्ट बांग्लादेश के नुकसान से भारत को काफी फायदा मिल सकता है, लेकिन भारत की कपड़ा इंडस्ट्री को फिलहाल इसका फायदा हो सकता है। और इस बार बांग्लादेश में मची उथल पुथल से भारत को एक बहुत बड़ा अवसर मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी है वो करीबन 2.5 से 3,300 करोड़ रुपए के अतिरिक्त एक्सपोर्ट का ये अनुमान आता हुआ दिख रहा है। भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि कपड़ा उद्योग की, जो कि बांग्लादेश की इस उथल पुथल के कारण वैश्विक बाजार में नई उड़ान भरने जा रही है, तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है भारतीय टेक्सटाइल कंपनियों के लिए, जो कि एक्सपोर्ट पर खास फोकस रखते हैं। ऐसे दो दिनों में भारत में कपड़ा बनाने वाली कंपनियों के स्टॉक्स 20% तक बढ़ गए हैं। कि इंडिया के अंदर इस क्राइसिस में एक ऐसी यूनिटी नजर आई है जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। The textile industry, the backbone of the economy of Bangladesh, is bearing the brunt of the crisis. उन्होंने सपोर्ट किया है रूलिंग पार्टी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मोदी हुकूमत को, इसलिए इस एजेंडे पर सपोर्ट किया है कि बांग्लादेश का इस वक्त जो क्राइसिस है उसमें इंडिया जो भी स्ट्रेटजी बना रहा है हम उसको सपोर्ट करते हैं कि कैसे इससे निपटा जाए। बांग्लादेश 50 साल बाद एक नया बांग्लादेश बनने जा रहा है, क्योंकि जो है जो लोगों का रिएक्शन है वो बहुत फ्यूरियस किस्म का रिएक्शन है। क्या कोई बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल तब्दीली होगी बांग्लादेश की? लाइन तो बहुत सारे इश्यूज है ना इसके अंदर, बड़ा अलर्ट इसीलिए है इस वक्त, खतरनाक हालात। ऐसे मौके पर इंडिया की तमाम पॉलिटिकल पार्टी सेम पेज में हैं, ये काबिले दाद बात है, इसकी तारीफ की जानी चाहिए, जबरदस्त बात है। इससे पहले ममता बनर्जी ने यह कहा कि जब यह सवाल उठाया गया कि अगर बांग्लादेश से 1 करोड़ से ज्यादा हिंदूज वहां पर हैं और वो रिफ्यूज हासिल करने के लिए आ जाते हैं, इंडिया दाखिल होते हैं लाखों की तादाद में भी अगर, तो क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि ये जो सेंटर चाहेगा, जो फेडरल गवर्नमेंट चाहेगी, जो बीजेपी के गवर्नमेंट चाहेंगे, हम उनके साथ हैं, उनका फैसला होगा। उन्होंने ये नहीं कहा। अच्छा, पाकिस्तान में इसके मौके पर क्या होता है? ऐसे किसी मौके पर एक दूसरे की लातें खींच रही होती है, ऐसी लेग पुलिंग होती है कि एक दूसरे पर जो मुंह मारी हो रही होती है, मारा मारी हो रही होती है, मैक्सिमम कोशिश ये होती है कि ये पॉइंट आता है, ये जो अपॉर्चुनिटी है अपॉर्चुनिस्ट बन जाते हैं और एक दूसरे को गिराने की भरपूर कोशिशें होती हैं। किसी नेशनल लेवल पर भी अक्सर जो है वो ऐसा देखने में आया। इंडिया में हमें ये नजर आया है कि इस पॉइंट पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त इकट्ठी हो गई हैं और देखें वो मिलकर ये कह रहे हैं कि कौन है इसके पीछे। और मैं समझती हूँ कि जो इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी इंडियन गवर्नमेंट और वो सामने रखेगी, तो उसको भी वो सेकंड करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज और अपोजिशन पार्टी, जो राहुल गांधी हैं वो उसको भी सेकंड करेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, जो गवर्नमेंट जो भी इसके लिए स्ट्रेटजी बनाती है और वो करती है, हम उसको सपोर्ट करते हैं, हम साथ हैं, क्योंकि ये इशू जो है ये एक नेशनल इशू है। दैट्स ग्रेट, मतलब ये जो है कमेंडेबल बात है कि एक कंट्री ऐसा है। अच्छा, इससे ये पता चलता है कि बांग्लादेश में जो हुआ है वो इंडिया में होना इतना आसान नहीं है। ये चीज हमें बताती है कि बांग्लादेश में देखें ये जो सब कुछ हुआ उसमें एक पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो, क्योंकि उससे पहले जो है वो कहा जाता रहा कि जनाब शेख हसीना ने जो गिरफ्तारियां जो सब किया था तो वो बैकलैश तो आना ही था, लेकिन उनके अंदर ये यूनिटी नजर नहीं आई। और देखें इस वक्त कैसा क्राइसिस। और मैं आपको एक और बता दूं, अभी तो एक आखिरी पॉइंट पे चले खत्म करते हैं प्रोग्राम। मेरा एक सवाल है सर, मैं एक सवाल छोड़े जा रही हूँ, वो इंडियंस जो इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो ब्लॉगर्स हों, व्लॉगर्स हों, वो जो भी है, इंडिया इज प्लेइंग अ वाइटर रोल इन बांग्लादेश, बल्कि उनकी क्रिएशन के पीछे सारी एफर्ट जो थी वो थी इंडिया की थी, भारत की थी। अब देखा जाए और एक प्रेसिडेंट मौजूद है हिस्ट्री के अंदर, जब भी बांग्लादेश के अंदर कोई क्राइसिस आते हैं, चाहे इकोनॉमिक हो चाहे पॉलिटिकल हो, तो सारे लोग जो है वो भारत चले जाते हैं, इंडिया चले जाते हैं, तो दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व। मुक्ति बानी का बनना उस वक्त भी अगर देखा जाए तो जो पाकिस्तानी फोर्सेज थी उनके खिलाफ जो था ये जो मूवमेंट चली थी उसमें भी अल्टीमेटली इंडिया था। और आज भी एक बहुत बड़ा क्राइसिस है आता है, बल्कि इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से बड़े अरसे से लोग इंडिया जा रहे हैं, तो उनका उनकी इन्वॉल्वमेंट इज जस्टिफाइड, जस्टिफिकेशन है उसके पीछे मौजूद है। और मैं इससे एग्री करूंगा कि यहां पे बांग्लादेश में दर हकीकत जब से ये स्टूडेंट्स की मूवमेंट चल रही है, लोग पहले ही बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। भारत इज डायरेक्टली ऐसा कंट्री होगा जो डायरेक्टली जिस पे असर पड़ेगा
उनके ऊपर, उनकी इकोनॉमी के ऊपर भी इसका प्रेशर आएगा और उनकी उस बॉर्डर एरिया के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आएगी। मेरे ख्याल में इस चीज का जितने जल्द से जल्द इसका हल ढूंढना चाहिए ताकि लोग बजाय माइग्रेट करने के अपने घरों में ही रहें। लेकिन इट इज अ क्राइसिस, इट्स अ क्राइसिस। और देखें बंगाली में अगर जाती तौर पर मुझसे पूछे, वेरी इंटेलिजेंट कौम है, वेरी रिसोर्सफुल है। भारत हमारे सब कॉन्टिनेंट की दो बड़ी पार्टियां हिस्टोरिकल कांग्रेस और मुस्लिम दोनों बंगालियों ने बनाई थी। दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल और मेरी दुआएं हैं कि वो उनकी सेफ्टी के लिए, बांग्लादेश की प्रॉपर्टी के लिए, भारत के लिए, पाकिस्तान के लिए। दूसरा अगर देखा जाए तो मैंने जिस आपको बताया था कि बांग्लादेशी क्रिएशन इज भारत पहले दिन से उनके साथ काम करता है। आपने देखा होगा कि उनको लोन दिए जाते हैं, उनको ग्रांट्स दी जाती हैं, दे हैव अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप। और मैं समझता हूं कि इस वक्त भारत अगर कोई डॉक्टर जयशंकर इज अ वेरी स्ट्रांग डिप्लोमैट, इस वक्त देखा जाए तो भारत का पहला इंटरेस्ट ये होना चाहिए कि किसी पॉपुलर रेजिम को सपोर्ट करे जो क्राइसिस है, दो लोगों को सेटिस्फाई कर सके। आपके सामने कीनिया की मिसाल है। इस वक्त कीनिया में हर काम उन्होंने, हर इंजेक्शन देने की कोशिश की है कीनिया का, बल्कि दो तीन पोजीशन उन्होंने अपोजिशन को दी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और एक एनर्जी मिनिस्ट्री उन्होंने अपोजिशन लीडर को दी, फिर भी वहां से वो क्राइसिस रुक नहीं रहे। तो भारत को चाहिए कि ऐसे किसी लीडर को, ऐसे पॉपुलर जो किसी लीडर को सपोर्ट करे, रिजीम को सपोर्ट करे जो जनरल मैसेज को सेटिस्फाई कर सके ताकि माइग्रेशन रुके और जो क्राइसिस है वो उससे इज़्तिराब किया जा सके। थर्ड साहब, भारत बांग्लादेश की फौज ने ये कहा है कि हम एक केयर टेकर सेटअप लाना चाहते हैं और केयर टेकर सेटअप में तकरीबन 4-5 के करीब कुछ जनरल्स हैं, कोई इतने ही जो है वो जजेस भी उन्होंने डाले हैं। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि वो हो सकता है कि फिनलैंड जाए। मैंने आपको सबसे पहली खबर जो बांग्लादेश की दी थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि फिनलैंड जाएंगी वो, क्योंकि उस वक्त भी एक खबर उसके अंदर ये था कि फिनलैंड जाएंगी, लेकिन अब ये है कि वो उस तरफ का सोच रही है कि यूरोप जाएंगी। अब क्या यूरोप उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है या नहीं है, हमें देखना पड़ेगा। लेकिन जो अलार्मिंग सिचुएशन है वो ये भी है कि बांग्लादेश के अंदर कुछ ऐसी आवाज़ें भी उठ रही हैं, जैसे कि उनके सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है बांग्लादेश की, उसने ये डिमांड की है कि शेख हसीना और उनकी सिस्टर शेख रिहाना को उन हैंडओवर किया जाए बांग्लादेश को, और उनको गिरफ्तार किया जाए और उसके बाद उनके ऊपर जो जराइम हैं वो उन जराइम के तहत उनको या फांसी लगाई जाए, या जो भी वो वहाँ की हुकूमत जो बनेगी या वहाँ का कानून या जो वहाँ के लोग खास तौर पर जो कि इस वक्त शेख हसीना के खिलाफ हैं और जिन्होंने ये प्रोटेस्ट किए हैं, वो जैसा समझते हैं वो उनके साथ वो वाला सलूक करें। अब वो वाला सलूक आप चौक पे खड़े होकर चौक में लटका के फांसी दे दें या कुछ और करें, तो इस तरह के वहाँ के हालात जो हैं वो नजर आ रहे हैं और वहाँ के कुछ जो हैं वो ऐसा करें।